आज तंजानिया वुमेन्स वर्सेस नेपाल वुमेन्स का जो हांगकांग T20 सीरीज़ का जो पहला मैच आज हुआ था, उसके अंदर तंजानिया की टीम ने नेपाल को बुरी तरह पछाड़ दिया है, बुरी तरह जो है वो हरा दिया है। तंजानिया ने पहले बैटिंग की और उन्होंने टारगेट रखा था नेपाल के सामने 115 रन 7 विकेट और 20 ओवर पर। वहीं पर नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल वुमेन्स ने बैटिंग की तो 88 रन बना पाई नेपाल की टीम 10 विकेट और 16.5 ओवर्स के अंदर। अगर बात करें किस प्लेयर ने कुल कितने रन बनाए तो बहुत ही कम है वो रन रेट यहां पर दिखाई दे रही हैं। जिन्हें हम सबसे अच्छे प्लेयर मानते थे, जिस प्रकार से कह सकते हैं हम इंदु वर्मा जैसे कैप्टन हैं और रुबीना छेत्री जो बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन आज के मैच के अंदर उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन है वो नहीं दिखाया है। अगर बात कर लेते हैं कुछ जो रन्स की है, किसने कितने रन बनाए कितने बॉलों के ऊपर, तो पूजा महतो ने 7 बॉल के अंदर 3 रन बनाए, बिंदु रावल ने 1 बॉल के अंदर 0 रन बनाया और जो काजल सेकता है जो विकेट कीपर है 9 बॉलों के अंदर 9 रन बना पाई और इंदु वर्मा जो कैप्टन है 18 बॉलों के अंदर 15 रन बना पाई और जिसके अंदर 2 है वो चौके लगाए। रुबीना छेत्री जो है वो पहली बॉल पर ही रन आउट है वो हो गई। नीमा पोइस जो है उनके द्वारा रुबीना छेत्री आउट की गई और सीता मागर जो है उन्होंने अच्छा रन प्रदर्शन है वो अपना दिखाया। 31 बॉलों के अंदर 43 रन है वो बनाए और 4 छक्के हैं वो लगाए। अस्मिना जो है उन्होंने 5 बॉलों के अंदर 2 रन लगाए। संगीता राय जो है उन्होंने 13 बॉलों के अंदर 4 रन बनाए और सुमन बिष्ट जो है उन्होंने 10 बॉलों के अंदर मात्र 3 रन है वो बनाए। तो आज देख सकते हैं नेपाल वुमेन्स की टीम है उन्हें बुरी तरह खदेड़ा गया है, पछाड़ा गया है, हराया गया है तंजानिया वुमेन्स टीम की तरफ से। और अगला मैच जो है वो कल होने वाला है हांगकांग वुमेन्स वर्सेस नेपाल वुमेन्स। तो कल के मैच का प्रदर्शन क्या रहेगा, आपकी राय क्या है उसके बारे में, कल का मैच है वो कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे लिए नेपाल की बड़ी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।